नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में अपनी ही पंचायत के स्कूलों में नामांकन की बाध्यता ने सैकड़ों बेटियों की पढ़ाई रोक दी है। आठवीं कक्षा के बाद स्कूल में नामांकन को लेकर अड़ंगा लग गया है। बच्चों ने DEO कार्यालय पहुंचकर बार बार अनुरोध किया, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो शनिवार को अभिभावक भी पहुंचे और DEO से गुहार लगाई। अपर मुख्य सचिव KK पाठक के आदेश पर शिक्षा विभाग ने नियम बना दिया है कि बच्चे अपने ही पंचायत के स्कूलों में दाखिला लेंगे। दरअसल अपर मुख्य सचिव KK पाठक के एक आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने एक नियम लागू किया है, जिसमें बच्चों को अपने संबंधित पंचायतों के भीतर स्कूलों में नामांकन कराना अनिवार्य है। अब क्या है शिक्षा विभाग का आदेश? शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार छात्रों को केवल अपनी पंचायत के स्कूलों में ही नामांकन लेना होगा। इस नियम के कारण कई छात्रों, खासकर लड़कियों को अपने घरों से दूर स्कूलों में जाना पड़ेगा। यही कारण है कि कई स्कूलों में 9वीं कक्षा में नामांकन दर 50% से भी कम हो गई है। दूसरी ओर अभिभावक ये तर्क देते हुए विरोध कर रहे हैं कि ये छात्रों की सुरक्षा को खतरे में डालता है और उनके शिक्षा के अवसरों को कम करता है। छात्रों के अभिभावक शिक्षा विभाग के आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बेटियों के लिए बेहतर शिक्षा सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। शिक्षक भी इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं और जिला शिक्षा अधिकारियों यानी DEO से हस्तक्षेप करने और इस आदेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं DEO ने इस मुद्दे पर विचार करने और जल्द से जल्द समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। वहीं ओराई से आए अभिभावकों का कहना है कि उनके इलाके के बच्चे 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अपनी ही पंचायत के हाई स्कूल में दाखिला नहीं ले रहे हैं। यह हाई स्कूल गांव से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। इसी पंचायत के एक अन्य बुनियादी विद्यालय में 8वीं तक की शिक्षा उपलब्ध है। इस विद्यालय के बच्चों को भी गाँव में स्थित हाई स्कूल में दाखिला लेना पड़ता है। उनका कहना है कि मथुरापुर बुजुर्ग पंचायत से केवल 150 मीटर की दूरी पर एक अन्य हाई स्कूल स्थित है, जो विशनपुर गोखुल पंचायत में है। इसी तरह संभुता पंचायत का अपना हाई स्कूल गांव से 5 से 6 किलोमीटर दूर है, जबकि विशनपुर गोकुल पंचायत का स्कूल केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना है कि बिहार की सभी बेटियां पढ़ें और आगे बढ़े। यही कारण है कि बेटियों को लेकर नीतीश कुमार कई योजना चला रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो 8वीं के बाद कई बच्चियां स्कूल तक नहीं पहुंच पाएंगी और नीतीश कुमार का सपना सपना ही रह जाएगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है और KK पाठक ने अगर इस तरह का फरमान निकाला है तो आप क्या कहना चाहते हैं, ये सब हमें कमेंट में जाकर के आप जरूर बताइए। और हमारे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।